तो दोस्तों, अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, चाहे वो टैली से रिलेटेड हो, अकाउंट से रिलेटेड हो, या फिर किसी प्रकार के टैक्स रिलेटेड हो, जैसे कि GST हो गया, ITR हो गया, तो उसके लिए अब आपको अपने मोबाइल में इस ऐप को करना है इंस्टॉल। इस ऐप का नाम है Call Me 4 और ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद Call Me 4 आपको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो सर्च बॉक्स पे आना है आपको, और सर्च बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है आपको ऑनलाइन सेवा। जैसे ही आप ऑनलाइन सेवा यहाँ पे सर्च करेंगे, आपके सामने मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। इस प्रोफाइल पे कर देना है आपको क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, वीडियो कॉलिंग के लिए, कॉलिंग के लिए। आप चाहे तो कॉलिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके माध्यम से अब आप मुझे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे पेरोल सीरीज का तीसरा जो अध्याय था, उसका सेकंड पार्ट है ये। और हमने तीसरे अध्याय के फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि पे हेड होते क्या है, उसको क्यों बनाने की ज़रूरत होती है, और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है। यानी लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, हमने ये जाना था कि पे हेड होते क्या हैं, उसको मैंने आप लोगों के साथ ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी थी। आई होप कि उस वीडियो से आप लोगों का जो भी बेसिक नॉलेज होता है पे हेड से रिलेटेड, वो क्लियर हो गया हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो पेरोल का सीरीज तीसरे का जो सेकंड पार्ट है ये, इसमें हम जानेंगे कि टैली ERP 9 में किस तरीके से पे हेड बनाया जाएगा, और बनाते टाइम आप किन किन बातों का खासतौर से ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि हम पे हेड किस तरीके से बनाते हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल ऑनलाइन सेवा से जुड़ने के लिए अभी इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। राइट हैंड साइड पे जो ये बेल बटन मेंशन हो रहा है, इस पे भी क्लिक करके इसे ऑन कर लें, ताकि जब भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख पाए। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि मैं इस टाइम गेटवे ऑफ टैली में ही हूँ। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको पेरोल इन्फो पे आना है। पेरोल इन्फो में आने के बाद हमको पे हेड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बनानी है, यानी जितने भी हमारी अर्निंग पे हेड होते हैं वो हम क्रिएट करेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे अकाउंट से रिलेटेड जो लेजर हम बनाया करते थे। आप लोग देख सकते होंगे कि लेजर में जाके हम क्रिएट करते थे ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करते थे। इसी तरीके से पेरोल में जो पे हेड अर्निंग होता है, जो अर्निंग पे हेड होता है, उसको भी हमें क्रिएट करने के लिए पेरोल इन्फो में जाना होता है। इसके बाद हम जाएंगे सीधे पे हेड में। इससे ऊपर वाले ये सारे टॉपिक, सारे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। तो आज हम पे हेड के बारे में सीखेंगे। तो पे हेड में जाने के बाद आप क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्रिएट करते टाइम भी आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपके पे हेड में, पेरोल में अगर आपका कोई पे हेड क्रिएट नहीं हुआ, तो डिस्प्ले और अल्टर ये हाईलाइट नहीं हो रहे होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ बना रखा होगा पे हेड, तो ये उस टाइम पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही बना रखा है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते होंगे, बेसिक सैलरी हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, डेयरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, और स्पेशल अलाउंस हो गया। ये आज हम सीखेंगे कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी पे चलते हैं। बेसिक सैलरी पे जाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेसिक सैलरी हमेशा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आएगा, क्योंकि पे हेड टाइप जो होता है ये हमेशा एम्प्लॉय के नज़रिए से देखा जाता है कि एम्प्लॉय के लिए ये क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा। इनकम टाइप में ये फिक्स रहेगा, क्योंकि बेसिक सैलरी हमेशा फिक्स होती है कंपनी में। इसके बाद ये कंपनी जब भी अंडर आएगा, तो ये वाला जो
पार्ट है, जो पॉइंट है अंडर वाला, ये आप कंपनी के नज़रिए से देखेंगे, ना कि एम्प्लॉय के नज़रिए से। यानी ये एम्प्लॉयर कह लीजिए आप इसे, और इसे आप एम्प्लॉय कह लीजिए। तो एम्प्लॉयर या कंपनी के लिए ये खर्चा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसलिए मैंने ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिया है। इसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी, इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। इसके बाद नेम ऑफ टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप। तो दोस्तों, जब हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप देते हैं, तो टैली हमसे पूछता है इस वाले पार्ट में कि आप जो स्लिप पे नाम रखना चाहते हैं, सैलरी स्लिप पे, वो नाम बेसिक सैलरी रखना चाहते हैं या कुछ और रखना चाहते हैं। तो अगर आपके कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ और नाम होगा, तो आप यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिएगा, अदरवाइज इसे बेसिक सैलरी में रहने दीजिएगा। उसके बाद यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्निंग ऑफ पे हेड कौन कौन से होते हैं जो ग्रेजुएटी का पार्ट होता है, ईएसआई का पार्ट होता है। मैं फिर आपसे बार बार यही बोलूंगा कि अगर आपने मेरे इससे पहले वाले पेरोल के ऊपर वीडियो नहीं देखे, तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उनका लिंक अपने कमेंट, अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते होंगे। तो चलिए, इसको हम यस करते हैं। यस करने के बाद इनकम टैक्स डिटेल का ये पार्ट होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो इसको मैं यस करूंगा। यस करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि इनकम टैक्स कंपोनेंट बताएं, तो ये बेसिक सैलरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते होंगे दोस्तों, आपके सामने दो ऑप्शन आ रहा है, ऑन एक्चुअल वैल्यू, ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपको लगे कि आपका जो ये पे हेड बन रहा है, ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, हर महीने चेंज हो रहा है, तो आप ऑन एक्चुअल वैल्यू लेकर चलेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये पूरे साल सेम रहने वाला है, तो आप ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू लेकर चलेंगे। सिंपल सी बात, आपको इन दो बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं इसे ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू लेकर चलता हूँ। अब देखिए, आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा कि जैसे मैं ये ऑन प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, ये इस पे नहीं जा रहा, डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड। क्यों? क्योंकि जैसे मैं ऑन एक्चुअल वैल्यू लूंगा, तब ये पूछेगा मुझसे कि टीडीएस अक्रॉस पीरियड को आप यस रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो अभी फिलहाल मैं ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप में, ये पाँच के पाँच कैलकुलेशन टाइप आप देख रहे होंगे, ये पाँचों टाइप इसी वीडियो में हम सीख जाएंगे। तो बेसिक सैलरी हमारा ऑन अटेंडेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमेशा अटेंडेंस के ऊपर ही बेसिक सैलरी कैलकुलेट करी जाती है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद आप इस ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पे अब्सेंट ले लेंगे लीव विदाउट पे के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऑन अटेंडेंस लेंगे बेसिक सैलरी के लिए, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके लीव विदाउट पे ले लेंगे। इसके बाद ये मंथ वाइज कैलकुलेट होगा, तो मंथ ले लिया। यहाँ पे देखिए, एज पर कैलकुलेशन कैलेंडर पीरियड, यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप आ रहा है। ये थ्री टाइप ऑफ बेसिक ऑफ कैलकुलेशन आ रहा है, बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे के हिसाब से। तो आप हमेशा ये लेकर चलेंगे एज पर कैलेंडर पीरियड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टैली में मंथ पहले से ही फीड होते हैं, और जैसे जैसे मंथ होते हैं, जैसे 30 दिन का पीरियड भी होता है, 31 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है, तो उसके हिसाब से एम्प्लॉय की सैलरी अपने आप ही बन जाए। तो आप हमेशा एज पर कैलेंडर पीरियड लेके चलें। लेकिन फिर भी अगर आप सेट करना चाहते हैं कि नहीं, हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग मंथ में डे डिफाइन कर रखा है कि 24 दिन के हिसाब से या 30 दिन के हिसाब से, 26 दिन के हिसाब से उनको पे करना है, तो आपको यूजर डिफाइन लेना है और यहाँ बताना है कि एक महीने में आपको कितने दिन देने वाले हो। तो मैं यहाँ पे एज पर कैलेंडर पीरियड लेके चलता हूँ। नॉर्मल राउंडिंग में 1 रहेगा, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये सबसे पहली हमारी अर्निंग पे हेड बन चुकी है बेसिक सैलरी। इसके बाद हम चलते हैं कन्वेंस अलाउंस में। कन्वेंस अलाउंस में भी आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि पे हेड टाइप ये एम्प्लॉय के नज़रिए से देखना है और अंडर एम्प्लॉयर के नज़रिए से देखना है। बार बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ ये चीज़, तो ध्यान रखे करिएगा। इसके बाद अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, ये फिक्स होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए ये खर्चा होता है। इसी तरीके से ये नेट सैलरी को अफेक्ट करता है। सेम आप सैलरी स्लिप पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस लिख रखा है। आप जो भी डिफाइन करना चाहते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, इस ऑप्शन को भी मैं यस कर देता हूँ। इसके बाद सेट अल्टर, इस ऑप्शन को भी मैं यस करूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो कन्वेंस अलाउंस है, ये किससे रिलेटेड होता है? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है, तो हम ट्रांसपोर्ट लेके चलेंगे। और ये क्या होगा? ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू, क्योंकि फिक्स कर देती है कंपनी कि हम आपको इतना ही कन्वेंस अलाउंस देंगे। इसके बाद मैं इसको यस करते हुए आगे बढ़ूंगा।
आप यहाँ पे ESI में ये रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो कन्वेंस अलाउंस जो है ESI से बाहर होता है, ये मैंने अपने तीसरे पार्ट में पूरा चार्ट के थ्रू आपको समझाया था कि आपको कौन कौन से पेहेड ध्यान रखना है, कि ये ESI के अंदर आते हैं, इनकम टैक्स के अंदर आते हैं, या ये क्या नाम है हमारा ग्रेजुएटी का पार्ट होता है या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे लास्ट वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो अगर आपके इस डिस्प्ले में ESI, ये एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी का ऑप्शन नहीं आता, तो उस केस में आप F12 प्रेस कीजिएगा या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है आपके टाइम, अगर आपका शो नहीं हो रहा होगा तो नो लिखा हुआ आ रहा होगा, तो इसको यस करके आगे बढ़ जाइएगा। इस ऑप्शन ये ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे यस का मतलब होता है कि ये ESI से बाहर है, और नो का मतलब होता है कि ESI के अंदर है। तो मैं यस कर देता हूँ, उसके बाद ये हमारा फ्लैट रेट पे चलेगा। फ्लैट रेट इसलिए क्योंकि ये फिक्स है, कंपनी इस अपने हिसाब से एक फिक्स करती है कि हम आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, इस हिसाब से हम आपको देंगे। जब बेसिक सैलरी बनाया था तो मैंने ऑन प्रोडक्शन लिया था, ये सॉरी ऑन अटेंडेंस लिया था। कन्वेंस अलाउंस में मैंने फ्लैट रेट ले लिया, क्यों लिया ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मंथ वाइज लेते हुए यहाँ पे भी राउंडिंग 1 लेंगे और इसको कर देंगे हम सेव। इसके बाद जो हमारा तीसरा होगा पे हेड, वो होगा डेयरनेस अलाउंस। तो डेयरनेस अलाउंस भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है, कंपनी के लिए फिक्स है, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेट सैलरी को अफेक्ट करता है। डिस्प्ले इस में मतलब आप क्या रखना चाहते हैं, स्लिप पे नाम मैंने DA डाल दिया है, ग्रेजुएटी का पार्ट होता है, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इस ऑप्शन को आपको करना है यस। और यस करने के बाद यहाँ पे ले लेना है डेयरनेंस अलाउंस और प्रोजेक्ट वैल्यू लिखते हुए इसको सेव कर देना है। सेम ये ESI का पार्ट है तो इसको नो रहने दीजिए, और अगर नहीं है तो आप यस कर सकते हैं। तो मैं नो करके आगे चल लेता हूँ, इसे ESI में डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम एज कंपाउंड वैल्यू। दो पे हेड बनाया था मैंने, सबसे पहले बेसिक सैलरी उसमें लिया था ऑन प्रोडक्शन, उसके बाद लिया मैंने कन्वेंस अलाउंस, लिया मैंने आप लोगों के लिए फ्लैट रेट। अब बात आती है एज कंपाउंड वैल्यू कब लिया जाता है। तो जब भी आप किसी बेसिक यानी किसी पे हेड को मानते हुए किसी दूसरे पे हेड की वैल्यू निकालते हैं, मैं फिर बता देता हूँ कि आपने किसी एक पे हेड को बेस मान लिया और उस बेस के डिपेंड पे आप दूसरे पे हेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस केस में आप एज कंपाउंड वैल्यू लेके चलेंगे। एज कंपाउंड वैल्यू आप लेंगे नॉर्मल राउंडिंग 1 रखा मैंने। यहाँ पे देखिए ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल और ऑन स्पेसिफाई फार्मूला आ रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। फिलहाल अभी जब भी आपको फार्मूला बनाना होगा, यानी किसी एक पे हेड के बेस पर दूसरे पे हेड की वैल्यू निकालना अगर आप जानते हैं और जानना चाहते हैं, तो आपको ऑन स्पेसिफाई फार्मूला लेकर चलना है। ये कब आएगा, जब एज कंपाउंड वैल्यू लेकर चलेंगे आप। तो ऑन स्पेसिफिक फार्मूला में लिया, यहाँ पे आपके सारे के सारे पे हेड आ जाएंगे बने हुए जो आपने बनाया होगा। तो एड में बेसिक सैलरी ले लेता हूँ, क्योंकि जो DNS अलाउंस है वो मेरा बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो अब यहाँ पे आप जो यहाँ आप देख सकते होंगे लिस्ट ऑफ फार्मूला आ रहा है कि आप इसमें और भी ऐड करना चाहते हैं कोई पे हेड, या डिवाइड करना चाहते हैं, या मल्टीपल करना चाहते हैं, या सब्सट्रैक्ट पे हेड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि डेयरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन होता है, 1 अप्रैल से ये अफेक्टेड होगा। इसके बाद परसेंटेज में मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 8.5%। इसके बाद मैं इसके आगे लेके सेव कर देता हूँ। इसके बाद बात आती है हमारी हाउस रेंट अलाउंस की, और हाउस रेंट अलाउंस भी आपको उसी तरीके से बनाना है जैसे अभी तक हम सारे पे हेड बनाते हुए आ रहे हैं। एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है, फिक्स होता है, और ये अंडर एम्प्लॉय के नज़रिए से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, नेट सैलरी को ये अफेक्ट करता है। डिस्प्ले में मैं HR डिफाइन करना चाहता हूँ, ग्रेजुएटी में नो रख रहा हूँ, इनकम टैक्स मैं इसको यस करते हुए हाउस रेंट अलाउंस कर देता हूँ, ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू लेके चल रहा हूँ, एज ए कंपाउंड वैल्यू सेम, क्योंकि जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है वो भी हमारे बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है। हो सकता है कि बेसिक प्लस DA के ऊपर कैलकुलेशन किया जाए इसका, कंपनी के पॉलिसी अगर है तो। और इसको मैंने कैलकुलेट करने का तरीके भी बताए थे कि अगर मेट्रो सिटी में काम कर रहा है एम्प्लॉय, या फिर नॉन मेट्रो सिटी में काम कर रहा है एम्प्लॉय, या फिर कंपनी अपने हाउस रेंट का 10%, अपने बेसिक सैलरी का 10% हाउस रेंट अलाउंस कर देती है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया ही था, तो मुझे नहीं लगता कि इसको थोड़ा और डीप में
समझने की जरूरत है इस वीडियो में। तो एज ए कंपाउंड वैल्यू लेते हुए राउंडिंग मेथड में वन लिया मैंने, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला सेलेक्ट करना है, बेसिक सैलरी लेकर चलना है आपको। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में मैंने डाल दिया 40%, और इसको हम कर देते हैं सेव। अब हमारा होगा ओवर टाइम बनाने। अब ओवर टाइम भी आपको सेम उसी तरीके से बनाना है दोस्तों, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है। इनकम टाइप में फिक्स है ये हमारा, एम्प्लॉय के नजरिए से अंडर अगर है ये तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेट सैलरी को ये अफेक्ट करेगा। डिस्प्ले में मैं ओटी डिफाइन करना चाहता हूँ, ग्रेजुटी का पार्ट नहीं है। इनकम टैक्स में आप इसको यस कर सकते हैं, और यस करने के बाद अदर अर्निंग अलाउंस फुली टैक्स पर लेकर आप इसको सेव कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन टाइप में आएगा ऑन प्रोडक्शन, हमने क्या क्या सीख लिया है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। ऑन अटेंडेंस सीखा था, फ्लैट रेट सीख लिया था हमने, एज ए कंपाउंड वैल्यू सीख लिया था। अब बात आती है कि ओवर टाइम में ऑन प्रोडक्शन लिया जाता है। ओवर टाइम ऑन प्रोडक्शन क्यों लिया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉई का फिक्स होता है कि आप 30 दिन काम करेंगे और 8 घंटे काम करना है आपको। लेकिन इसके अलावा 8 घंटे से ऊपर या अगर आपको कोई लीव अलाव है, छुट्टियाँ अलाव है, उस छुट्टी में भी अगर आप काम करते हो तो आपको उसका जो पेमेंट बनेगा वो हम पे करेंगे। तो प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाता है कि उसने कितना प्रोडक्शन दिया है। तो ऑन प्रोडक्शन, और याद है कि मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पेहेड के अलावा जब हम एक वो ग्रुप जो हमने बनाया हुआ था लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइप के अंदर, जिसमें हमने अटेंडेंस बनाना सीखा था, तो वहाँ पे मैंने ओवर टाइम बनवाया था आप लोगों से। तो यहाँ पे ओवर टाइम वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ओवर टाइम के अंदर हमने बताया था कि एक घंटे में 60 मिनट होगा, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। नॉर्मल राउंडिंग में हम एक लेकर चलेंगे और इसको कर देंगे हम सेव। इसी तरीके से लास्ट स्पेशल अलाउंस, कई कंपनियां अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को स्पेशल अलाउंस देती हैं। तो स्पेशल अलाउंस भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है, ये वेरिएबल होता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो स्पेशल अलाउंस होता है ये हर बार चेंज हो जाता है, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ मिलता है, तो ये वेरिएबल होगा। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये नेट सैलरी को यस करेगा। आप डिस्प्ले पे क्या दिखाना चाहते हैं, मैंने वेरिएबल अलाउंस लिख रखा है कि सैलरी स्लिप पे वेरिएबल अलाउंस आ जाए। इसके बाद ग्रेजुटी में नो रहने देता हूँ। ये सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इसको यस करके मैं यहाँ पे अदर अर्निंग अलाउंस के अंदर ही दिखाऊंगा इसको। इसके बाद मैं इसको एज ए यूजर डिफाइन वैल्यू, क्योंकि ये हमें खुद फीड करना होता है जब हम सैलरी बना रहे होते हैं। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे कोई आप ऐसे अलाउंस, ऐसा पेहेड बनाए जिसमें आप खुद फीड करें अमाउंट सैलरी बनाते टाइम, तो आपको एज यूजर डिफाइन वैल्यू लेकर चलना है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पेहेड किस तरीके बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया और आपको काफ़ी हेल्प मिली हो पेरोल से रिलेटेड जो भी आपके इशू आते होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। लास्ट अब जो हमारा आने वाली वीडियो है, यानी जो वीडियो पार्ट होगा पेरोल सीरीज का 4 पार्ट, उसके अंदर हम सीखेंगे अर्निंग ये डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, उसके बाद एम्प्लॉय के स्टैचुरी डिडक्शन के बारे में सीखेंगे और एम्प्लॉयर स्टैचुरी कंट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो अब धीरे धीरे जो वीडियो आएंगे पेरोल के ऊपर वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अब प्रैक्टिकल चलेगा सब कुछ। पहला मेरा मकसद था कि आपको लोगों को मैं बेसिक समझा दूँ, तो आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा 100%। फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं प्रकाश चौहान आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।